क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, तेरे संसार की हालत, राव हॉस्पिटल में क्रिमिनलों का भी होने लगा है जमावड़ा। काफी संख्या में क्रिमिनल लोग भी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और सिक्योरिटी गार्ड तक से करते हैं मारपीट और जान से मारने तक की धमकी देते हैं। ताज़ा मामले में एक मीडिया संस्थान के चीफ एडिटर जब अस्पताल में बने रेजिडेंस रूम से निकलते हैं तो उनके गेट के सामने किसी शख्स ने आकर स्कूटर लगाया। इस पर चीफ एडिटर ने उन्हें पार्किंग में स्कूटर लगाने की सलाह दी, जिसके बाद वह शख्स चीफ एडिटर पर ही भड़क उठा और यहां तक उन्हें गोली मारने की धमकी तक देकर वहां से बिना स्कूटर हटाए चला गया। इसके बाद चीफ एडिटर ने पुलिस कॉल की, पुलिस भी आई तो लेकिन स्कूटर मालिक वहां नहीं था, वो कहीं हॉस्पिटल में अंदर चला गया था। PCR ने इस बाबत जानकारी लेकर पुलिस को दी। लोकल पुलिस स्कूटर सवार का थोड़ा इंतजार कर नंबर लेकर चलती बनी। इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, कहीं ना कहीं इस तरह के सिरफिरे लोग क्राइम को अंजाम देते हैं और पुलिस हल्के में लेती है। इसके बाद पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि नहीं पुलिस शुरुआत में ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती। स्कूटर हम आपको अपने चैनल पर भी दिखा रहे हैं, इसके नंबर भी है, यह नंबर, यह फोटो दिल्ली पुलिस भी लेकर के गई है। अब देखने वाली बात होगी कि स्कूटर नंबर के आधार पर इस तरह से सरेआम सरकारी संस्थानों में धमकियां देने वाले लोगों तक दिल्ली पुलिस पहुंच पाती है या अपने दूसरे कामों में। मेरा नाम अर्जुन कुमार है, मैं आज के डिस्कवरी न्यूज़ का चीफ एडिटर हूं। अभी ये सुबह 9:30 की वारदात है कि मैं जब बाहर निकला हूं अपने घर से, मेरा घर यहीं पर ही है, मैं घर से बाहर निकला हूं, सामने कूड़ेदान में, कूड़ेदान के आगे में दो लोग आए स्कूटर सवार थे, उनको मैंने कहा कि कूड़ेदान के यहां गाड़ी नहीं खड़ी करनी। कुछ देर बाद वो कहने लगे कि मैंने ये जाने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि हम यहां से नहीं जाएंगे, हम तो गाड़ी यहीं खड़ी करेंगे। बहुत जिद्दबाजी हुई, नहीं माना, उसके बाद उसने गाली गलौज शुरू कर दी। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ से हटा लो, मैं 100 नंबर को बुला रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम किसी को भी बुला लो, हम तुम्हें गोली मारेंगे और तुम्हें, तुम्हारा घर यही है और तुम्हें हम देख लेंगे। उन्होंने इस तरह से मुझे धमकी दी है कि जैसे कि वो मुझे, हो सकता है कि मुझे गोली भी मार दें, मेरी जान को खतरा भी है। और उसके बाद वो अपनी स्कूटर खड़ी करके फिर चले गए, ना जाने कहाँ चले गए। उसके बाद 100 नंबर पुलिस आई, पुलिस ने मामला सारा रिकॉर्ड किया, स्कूटी की फोटो भी बनाई उन्होंने, और उसके बाद क्या कहते हैं लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, लोकल पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है। इस तरह की वारदात अगर हम जर्नलिस्टों के साथ होती रहे तो ये समय दूर नहीं कि कोई भी जर्नलिस्ट नहीं बचेगा। आने वाले टाइम में हर जर्नलिस्ट को एक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ, और हम इस तरह से सेफ ही नहीं है हमारे पत्रकार लोगों के साथ, कभी भी इस तरह की वारदात हो सकती है। मैं यही कहूंगा इस बारे में कि हमारे जितने भी पत्रकार लोग हैं उन लोगों के लिए सेफ्टी की जाए, उनको फैसिलिटीज़ दी जाए।